तीसरा बुझाई पड़े हाँ तेसर बुझाई पड़े अब इस दोसर छे कहिया छे मैडम कहे की हम सब वैकेंसी छे हमरा सब के जानकारिये नहीं छे आ गलत बहाली भ रहल छे एठना मैडम गलत बहाली कर रहल छे गलत बहाली कर रहल एठम सिग्नेचर सिग्नेचर सके छी एठम जे छे से पूरा हो हल्ला भेल रहल इनको से बातचीत करे कोशिश कर मैडम लगातार जे छे से एठम अहाँ दोसर बेर आम सभा के आयोजन केलहुँ आइ फेर से की स्थगित कयल जाइ छै पब्लिक लोगों को द्वारा और पुराने पूर्व मुखिया जी हैं उनके द्वारा जो है सो ये कहा जा रहा है कि स्थगित करने के लिए फिर से विज्ञापन निकाले और तब होगा ये कानून ये है और जो है सो पहले के 2019 के विज्ञापन के अनुकूल ये जो है सो बहाली की प्रक्रिया हर जगह शुरू है और वही प्रक्रिया में आज सजनपुरा में जो है सो वार्ड नंबर 15 में भी जो है सो ये सहायिका के लिए आयोजन आम सभा का किया गया था आपस में मतभेद और झगड़ा लड़ाई यहाँ तक के पंजी भी मेरा छीना गया और यहाँ हम लोगों को हमको जो है सो कुछ लोगों ने जो है सो यहाँ बैठा करके भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और तो पूर्व मुखिया द्वारा की कहल गए अपने के विज्ञापन दूसरा निकाला जाए विज्ञापन उसको रद्द किया जाए और पूर्व मुखिया हमारा संक्षेप उनको से बातचीत करे छी हम जखन अहाँ सत्ता पर चलिए 5 साल लगातार जबकि ये जानकारी का मामला है जो सेविका को दिया जाता है और पूरे वार्ड में हम मुखिया थे तो हमको भी दिया जाता और पूरे वार्ड के आदमी को सूचित किया जाता जो आंगनबाड़ी सहायिका का विज्ञापन निकला है आपको जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए ऐसा किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं निकला और न ही जानकारी हुआ आज भी जो आम सभा किया गया है किसी आदमी को इस चीज का पता नहीं चला है जो आज आम सभा है ये मिली भगत के द्वारा आदमी को बुलाया जाता है और कहा जाता है देख सके छी जे इनका से पूर्व मुखिया जी से बातचीत करलो हम इनको किछु बातचीत करे छी एठाम के जनता छै त एठाम एलिए त पहिला जे आम सभा के आयोजन कयल गेलै छै ओहि हम छलिए अहाँ उपस्थित जी जी हम छलिए तो ओहि हम हो हल्ला भेल छलै जी बैल छले आई किया ना भय रहले युवा के नहीं हुआ दिया चाहे छे कहे छे हम जे कहबो से हेते लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के नियम के अनुसार हम सब सब जनता चाहे छे जे सरकार के जे नियमानुकूल छे वही अनुसार ई काज आई संपन्न भ जाए ई 9 साल या 12 साल से ई काज पेंडिंग छे एकरा किए ने डिस्पोजल क दे छे सरकार जे ए ठगी के शिकार होय छे आम जनता गरीब आदमी हम तो एकर लाभार्थी नहीं छी लेकिन एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हमरा ई बात के कष्ट होय जे एतुका जनता बार बार जे छे ठगी के शिकार होय छे ए नाम पर गरीब गुरबा के ठकल जा रहल छे आ ई बहाली आई 12 साल से नहीं भ रहल छे एकर की कारण छे से तो यह सब बतेता आ रोकनाहरे बतेता जे आखिर की कारण से हम बहाली नहीं हुआ दिए छे पूर्व मुखिया जी से बातचीत केलो तो कहले जे एठम जे से किनको पता नहीं छले ओकर बाद जे से आम सभा के आयोजन करबाल गेले त सब तो फिर बुझलिए हम सब लेकिन हमरा सब जब एते आदमी जब इतना आदमी को जब इतना आदमी को मालूम नहीं था श्रीमान जी एते आदमी के मालूम नहीं चले तो एते आदमी उपस्थित केना भ गेले एते आदमी उपस्थित कोना भ गेले और ई काज वार्ड मेंबर के चले ई काज वार्ड मेंबर एठम उपस्थित छलखिन ई काज वार्ड मेंबर और पंच के चले जे सबके सूचना देने चले विभागीय प्रभारी के चले विभागीय कार्यकर्ता के चले जे सबके सूचना दिए कार्यकर्ता और विभागीय पदाधिकारी के सूचना देने चले जे विभागीय पदाधिकारी जे तो सहायिका छे से सूचना देने चले सेविका सूचना देने चले और वार्ड मेंबर दलकै कि नहीं दलकै पंचो हमरा सबके पंच आबि के सूचना देलक है एते आदमी के पंच सूचना दलकै तही आधार पर हम सब आयल छलिए जी अतः अहाँ सब गोटा के सूचना भेटल छल जी 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 सूचना भेल छल देख सकै छी एहि जगह पर बातचीत केलो आप जे छै से एकटा चीज प्रथम प्राथमिकता होइ छै एतऽ हरिजन विधवा ई सब प्रथम प्राथमिकता भेलै जे 20 बीघा जमीन जतै खिचड़ी में नौकरी करतै हैं विधवा के प्रथम प्राथमिकता देख सकै छी एहि जगह पर कई तरह से अति उठल छै देख सकै छी अहाँ सब गोटा अपडेटक लेल बनल रहू जी मिथिला के संग धन्यवाद।